तो आज हमने जो है वो करना है 2024 पेपर्स, ठीक है। जो प्लानिंग ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का जो है वो हुआ है, ठीक है। और हम इसका जो कवर करेंगे जीके पोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ जाता है, मदर टेरेसा बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो मदर टेरेसा जो है वो अल्बेनिया से बिलोंग करती थी, ठीक है। मदर टेरेसा का जो असली नाम था वो था एग्नेस एग्नेस गोंस गोंसिया बोजेचियो बोजे चियो, ये इनका जो है वो असली नाम था, ठीक हो गया। ये पैदा हुई थी 26 अगस्त 1910 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 5 सितंबर 1997 में। 1997 में इनकी डेथ हुई, और मलाला यूसुफजई जो है वो 1997 में जो है वो पैदा हुई है, ठीक हो गया। और ये जो है इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है इंडिया के अंदर। और ये जो है इंडिया जो है आई थी 1929 में, जो है ये इंडिया आई थी, ठीक हो गया। इनकी बिलोंग कहाँ से करती हैं? अल्बेनिया से। और ये आई थी यहाँ पे इंडिया में, और इन्होंने जो है मतलब सब कॉन्टिनेंट में, तब पार्टीशन नहीं हुई थी, तो इन्होंने जो है यहाँ पे आके बंगाली सीखी। और यहाँ पे जो है सेंट लॉरेंस जो स्कूल था वहाँ पे एज अ टीचर जो है वो टीचिंग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद से आगे आगे जो है इन्होंने अपने जो है काम जो है वो सर अंजाम दिए, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 ईयर्स प्लान ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड टिल 2000, ठीक हो गया। 2000 तक जो है वो कौन कितने प्लान जो है वो दे चुका है पाकिस्तान? तो वो 8 प्लान जो है वो दे चुका है, और फर्स्ट जो था 1950 से लेके 55 तक था, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी रिलेशंस में एग्जिस्ट बिटवीन टेबल्स इन डेटाबेस। तो कितने रिलेशंस होते हैं? 3 होते हैं जी, ठीक हो गया। 3 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, और many to many होता है, ठीक हो गया। ये 3 जो है रिलेशंस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, विच कंट्री वन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2010? तो स्पेन ने जो है वो विन किया था। और फीफा का जो जो है फुल फॉर्म जो है उसको लिख लें आप, उसका फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसका जो है फुल फॉर्म है। और ये जो बनी है ये 1909 में जो है ये बनी है, ठीक हो गया। और ये जो है बनी है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और 24 टीम्स होती हैं इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड करना है जी एरिया ऑफ अ सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस हमारे पास है 31.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इसके फॉर्मूला पे, 2 पाई आर जो है इज इक्वल टू 331.4, ठीक हो गया। 2 as it is आ जाएगा, पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3.14, और आर एज इट इज आ जाएगा 31.4 जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू। तो अब हमने जो है हम ये वाली जो वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो 31.4 over 2 multiply by 3.14 इज इक्वल टू आर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर निकल आएगा 5, ठीक है। अब हमारे पास जो है आर जो है वो निकल आया है। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का फॉर्मूला था 3.14 है पाई की वैल्यू, और आर जो हमारे पास था 5 था, 5 का हमारे पास है स्क्वायर आ जाता है। तो 5 5 जो है हमारे पास 25 आ गया। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो हमारे पास जो है आंसर निकल आएगा 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, पीको सेकंड इज इक्वल टू। तो पीको सेकंड जो है वो हमारे पास 10 माइनस 12 सेकंड के इक्वल होता है, और यहाँ पे 10 माइनस 9 सेकंड जो है वो इक्वल है नैनो नैनो सेकंड के। 10 माइनस 18 जो है वो हमारे पास आ जाता है एटो के,
और 10-24 जो है वो हमारे पास आ जाता है योक्टो के, ठीक हो गया। एंटोनियम ऑफ माइल, माइल का एंटोनियम जो है, माइल का मतलब होता है मुतदल या थोड़ा सा, और इसका मतलब है, इसका जो उल्टा होगा वो हमारे पास होगा सिवियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर वीट इज, तो वीट के बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है राइस जो है वो आ जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस यू हैव बेटर टू गिव इन, तो करेक्ट जो है वो हमारे पास है यू हैड बेटर गिव इन। कनौती शायर किस शायर को कहा जाता है, तो कनौती शायर जो है वो मीर को कहा जाता है, ठीक हो गया, मीर तकी मीर को। डिफॉल्ट नेम ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज, तो डिफॉल्ट नेम जो है वो हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट वन वर्ड की। एक्सेल का हमारे पास आ जाता है बुक वन, और पीपीटी का हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन वन, ठीक हो गया। ये इनके तीनों के जो नेम है आपने याद रखने हैं, जब हम इसको सेव करते हैं तो क्या आते हैं नेम्स। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप, तो इसमें से G7 जो है हम देख लेते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, इसके मेंबर्स को जूस विद GF, ठीक हो गया। जे से आ जाता है जापान आ जाता है, यूएसए आ जाता है, इटली है, ठीक है, उसके बाद कनाडा आ जाता है, इंग्लैंड है, उसके बाद जर्मनी है एंड देन फ्रांस है, तो इसके अंदर कौन सा नहीं आया, तो हमारे पास इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक हो गया। बाकी जो है यहाँ पे जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है डिटेल जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, लिंक आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। देन आ जाता है एक और एक 11, तो आयत की रूह से क्या है ये, इसको जो है वो कहते हैं जरबुल मिसल है ये। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी फैसलाबाद को, जो है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी कहते हैं। इस्लामाबाद को जो है वो कहते हैं ब्राजील ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पास फैसलाबाद है, ब्राजील ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पास इस्लामाबाद आ जाता है। देन आ जाता है कराची, कराची जो है इसको कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, और लाहौर जो है इसको कहते हैं सिटी ऑफ कॉलेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है विच यूएन एजेंसी डील्स विद हंगर, तो ये जो हंगर से जो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है, ठीक हो गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 16 अक्टूबर 1945 में बनी है। पाकिस्तान ने इसको जो 7 सितंबर 1947 में जो है इसको ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद जो है ये बनी जो है ये कैनेडा में बनी थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है इसके मेंबर्स जो है 1194 इसके मेंबर्स है, और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल जो है वो है क्यू डोंगियो। ये मैंने आपको पहले भी जो असेसमेंट हुई थी उसके अंदर भी आपको बताया था कि क्यू डोंगियो जो है हम कहते हैं पंजाबी के अंदर के खाना जो है वो डोंगे के अंदर डाल दें, तो खाने फूड एंड एग्रीकल्चर का जो हेड जो डायरेक्टर जनरल है तो वो डोंगियो, क्यू डोंगियो है, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। द सन इज एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट -1 मिलियन टू 50 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से, और 384,400 किलोमीटर अवे जो है वो मून है अर्थ से, ठीक हो गया। फरूक लगारी जो है वो प्रेसिडेंट थे, ये जो है 8th नंबर के प्रेसिडेंट थे फरूक लगारी। इन्होंने जो है बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को जो है वो जो है डिसॉल्व किया था, और ये किया था 5 नवंबर 1996 में। और जो है बेनजीर भुट्टो जो है वो 2 बार जो है वो हमारी पीएम रह चुकी हैं, ठीक है, एक तो 11th नंबर पे थी और एक 13th नंबर पे थी, एक 1988 से लेके 1990 तक रही, और देन 1993 से लेके 96 तक रही थी। और यहाँ पे उन्होंने पूछा 96 वाली, ये वाला जो था इसको डिसॉल्व किया था फरूक लगारी ने, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है इनकी जो पैदाइश जो है बेनजीर भुट्टो की वो हुई थी 21 जून 1956 में जो है ये पैदा हुई थी, और 2007 में जो है रावलपिंडी में जो है इनकी डेथ हो गई थी दिसंबर
27 दिसंबर 2007 में, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि ओलिव ब्रांच जो है वो साइन है पीस का, और व्हील जो है हमारे पास वो आ जाता है साइन प्रोग्रेस का। लेटर्स ऑफ अ सैप टेकन ऑल एट अ टाइम कैन बी रिटन इन, तो ये आ जाता है हमारे पास सिक्स वेज में जो है हम इसको लिख सकते हैं। सैप का जो मतलब है वो है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, और इसको जो है हम इस तरह से है, ये हमारे पास जो है तीन फैक्टोरियल, ठीक है, 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे ये जो है हमारा जो है ये वाला जो टेस्ट था, ये यहाँ पे इसका जीके पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो आप लोगों ने को प्रोवाइड किए गए हैं थोरो लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर किए गए हैं, आप जाके जो है उसको देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई न्यू लेक्चर जो है वो डिलीवर किए जाएं तो आप लोगों के पास फौरन से नोटिफिकेशन आ जाए।